मध्य प्रदेश विधानसभा में आज कमलनाथ ने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने आज कांग्रेस के पक्ष में बहुमत प्राप्त कर लिया, यानी विश्वास मत जीत लिया। लंबे समय से यह कहा जा रहा था कि कमलनाथ की सरकार लंगड़ी सरकार है जो चल नहीं पाएगी और किसी दिन भरभरा कर गिर जाएगी, लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा में जो कुछ हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी के सारे मुगालते दूर कर दिए। आज ही कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया था और गोपाल भार्गव का भी बयान आया था। इन दोनों बयानों में कमलनाथ सरकार की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गई थी, उनकी हंसी उड़ाई गई थी और कहा गया था कि जल्द ही कमलनाथ सरकार का पिंडदान हो जाएगा, कर्नाटक से जो हवा चली है वह मध्य प्रदेश में आएगी और कमलनाथ सरकार का पिंडदान इसके साथ ही हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक नारायण त्रिपाठी और एक अन्य ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए निहायत चौंकाने वाली स्थिति है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। 230 सदस्यों की विधानसभा में 122 मत जीतकर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि अभी उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। जैसा कि बार बार कहा जा रहा था कि कमलनाथ की जो सरकार है वो लंगड़ी सरकार है और वो लंबे समय तक विधानसभा में टिक नहीं पाएगी, अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। आज जो कुछ हुआ है उसने मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा भी बदल दी है। और तो यह रहा था कि कांग्रेस के विधायक बगावत करते और वे साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते, ऐसी हवा चलाई जा रही थी कि कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो किसी भी दिन कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने यह साबित कर दिया है कि कमलनाथ की सरकार में बहुत दम है और कमलनाथ भी कम मजबूत नेता नहीं हैं, वे राजनीति के पक्के और बड़े खिलाड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सरकार ने जो आज किया है उसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हलचल मचा दी है कि आखिर उसके दो विधायक कांग्रेस के साथ कैसे चले गए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन मध्य प्रदेश के मामले में बेहद ख़राब रहा है। शिवराज सिंह भी लगातार कमलनाथ सरकार की हंसी उड़ा रहे थे और उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे दिया था कि मध्य प्रदेश में जो बारिश नहीं हो रही उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कमलनाथ सरकार के जो पाप हैं उन पापों के कारण ही मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है और इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है प्रदेश की जनता को। उनकी जो बात कही थी शिवराज सिंह चौहान द्वारा उसकी भी हंसी उड़ाई जा रही है कि क्या इस तरह की अंधविश्वास से भरी हुई बातें शिवराज सिंह चौहान जैसा परिपक्व राजनीतिक कर सकता है। कुल मिलाकर आज जो विधानसभा में हुआ है उसने यह साबित कर दिया है कि फिलहाल कमलनाथ की सरकार तो चलती रहेगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।